एजिंग एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल्स पेबल। अच्छा ये कॉपी कर लें पहले, फिर ये एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है, फिर एक क्वेश्चन करेंगे उसमें ये एक टेबल बनेगा, उसके बाद ऑफ करें। एजिंग एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल्स क्या होता है? क्या लगता है कि एन आई रिसीवेबल एनालिसिस इज अ रिपोर्ट लिस्टिंग ऑल द डेटर्स ऑफ बिजनेस, हाउ मच दे ओ एंड फॉर हाउ लॉन्ग द मनी हैज बीन ओड। आई थिंक एक रिपोर्ट बनेगी, ठीक है, रिपोर्ट बनेगी जिसमें हम अपने तमाम कस्टमर्स को लिस्ट डाउन करेंगे, कितने कस्टमर हैं, किस कस्टमर से कितना अमाउंट रिसीव करना है टोटल अमाउंट, और किस अमाउंट को डी हुए कितना टाइम गुजर चुका। जैसे एक कस्टमर से हमने 5 टाइम्स गुड सेल की और अभी तक हमें पेमेंट नहीं मिली, तो उसको फिर हम यह लिस्ट डाउन करेंगे किस अमाउंट को सेल गुड्स को सेल किए हुए कितना टाइम गुजर गया। ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से कस्टमर्स लेट हो रहे हैं, कौन से कस्टमर्स ऑन टाइम है, राइट। तो जो लेट होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिकवरी का प्रोसीजर है वो अप्लाई करेंगे और उनसे रिकवरी करवा लेंगे। ठीक है, कॉल वॉल्स कर लेंगे, 2-4 भाई लोग भेज देंगे, इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है, और आपकी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड हमें इससे एक तो ये पता चल जाएगा कौन से कस्टमर्स लेट हो रहे हैं, और सेकेंड इससे हमें अपनी मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस का भी पता चलता है। कैसे पता चलेगा कि अगर ज्यादातर कस्टमर्स लेट हो रहे हैं, उसका मतलब मैनेजमेंट हमारी सही काम नहीं कर रही, तो पहले तो मैनेजमेंट को टाइट करेंगे, बाद में कस्टमर्स को टाइट करना है। और अगर ज्यादातर कस्टमर्स ऑन टाइम है, कुछ कस्टमर्स लेट हैं, तो उसको मतलब आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंट है, सही काम। तो दो चीजें इससे हमें पता चलेंगी, कौन से कस्टमर्स लेट हो रहे हैं और कौन मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसी। ठीक है, टेबल बनेंगे कुछ इस तरह से। ये इसका फॉर्मेट होगा एजिंग एनालिसिस का, एक कॉलम हो जाएगा कस्टमर नेम का, बैलेंस का कॉलम, और फिर ये एनालिसिस कॉलम बनेंगे कि आउटस्टैंडिंग फॉर 1 to 30 days, 31 to 60, 61 to 90 और ओवर 60 डेज। इसको फिर हम एक एनालाइज करेंगे कि किस कस्टमर को सेल किए हुए कितना टाइम गुजर गया, इस तरह की एक रिपोर्ट बनती है, इसे कहेंगे आप एजिंग एनालिसिस। ठीक है, अच्छा रिसीवेबल पेबल दोनों का फॉर्मेट सेम ही होता है। ठीक है, हम एक ही क्वेश्चन करेंगे रिसीवेबल का, बाकी पेबल भी उसी तरह बनेगा, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चन है, अच्छा ये आपकी एग्जाम किट है FA1 की, FA1 कैपलान की एग्जाम किट है, क्वेश्चन नंबर 23 है। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में नहीं मिलेगा, बल्कि आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, राइट। अच्छा इसमें हमें ये चार कस्टमर्स के अकाउंट दिए हमें, वाइनॉल लिमिटेड, क्रैंक ब्रोक, स्नेकर्स, स्पिनर और तीनों का हमें बनाना है एजिंग एनालिसिस, एज वाइज इनका एनालिसिस करेंगे, इनका पोस्टमार्टम करेंगे, किसको सेल किए हुए कितना टाइम गुजर गया। अच्छा इसने एक फॉर्मेट भी दिया हुआ है यहाँ पर, ये फॉर्मेट है कुछ इस तरह का दिया, इसमें क्या लिखा है इसने, लेस देन 30 डेज, लेस देन 90 डेज, लेस देन 60 डेज, लेस देन मोर देन 90 डेज टोटल, इस तरह भी बना सकते हैं हम। और ये मैंने कुछ इस तरह बनाया कि 1 to 30 डेज, 31 to 60, दोनों तरह से। अब एक क्वेश्चन करते हैं, पूरा एक टेबल बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं फिर कौन लेट हो रहा है, कौन लेट नहीं है, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, इस पर बात करेंगे। ठीक, तब उसमें हम चलेंगे कस्टमर वाइज, जिसमें जो मेन चीज है वो है आपकी डेट, आपकी किस डेट पर बना रहे हैं। ठीक है, सो मेन चीज क्या आपकी डेट, यहाँ लिखा हुआ डेट क्या, टुडेज डेट इज 31 मार्च, तो इसको ध्यान में रखिएगा 31 मार्च पे हम ये एनालिसिस रिपोर्ट बना रहे हैं। ठीक, अच्छा अभी पहला कस्टमर है वाइन हॉल लिमिटेड, सबसे पहले तो इसका बैलेंस लिख लेते हैं, टोटल बैलेंस कितना है इसका, क्लोथिंग बैलेंस 154.565,
का बैलेंस कॉपी कर लेता हूँ, 154.65। अब इसका एनालिसिस करते हैं, इसमें हम करेंगे डेट वाइज चलना है हमें, ओपनिंग बैलेंस से पहले। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस के नीचे है जनवरी 28 इनवॉइस, आगे इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है, इनवॉइस नंबर है ये। अच्छा, ये इनवॉइस नंबर क्या शो कर रहा है, किस ट्रांजेक्शन को शो कर रहा है, ये ट्रांजेक्शन क्या है, सेल परचेज रिटर्न रिसीव पेमेंट सेल्स है ना, क्योंकि जब गुड सेल करते हैं तो इनवॉइस बनती है, तो ये इनवॉइस आपके सेल्स को शो कर रहे हैं। अच्छा, तो ये ओपनिंग बैलेंस इसका, तीन बार हमने इसे गुड सेल किए और दो बार हमें कैश रिसीव हुआ और ये क्लोजिंग बैलेंस आ। अच्छा, अब हम चलेंगे डेट वाइज कि किस इनवॉइस की पेमेंट हमें मिल गई, किस इनवॉइस की पेमेंट नहीं मिली। ओपनिंग बैलेंस है, अच्छा इसके बाद नीचे डेट आ रही है 28 जनवरी की, लेकिन क्रेडिट साइड पर देखें डेट आ रही है 15 जनवरी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमें ये कैश रिसीव हुआ है, उसके बाद हमने गुड्स सेल की, ठीक है। अच्छा, तब ये 15 जनवरी को जो कैश रिसीव हो रहा है ये किसके अगेंस्ट रिसीव हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस के या सेल्स के, ये जो कैश हमें रिसीव हुआ ये ओपनिंग बैलेंस के अगेंस्ट मिला है या किसी सेल के अगेंस्ट मिला है, ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि डेट देखें क्या है, ओपनिंग बैलेंस की 1 जनवरी, कैश रिसीव हो रहा है 15 जनवरी को और सेल हमने पहली की है 28 जनवरी, सेल बाद में हो रही है, कैश पहले रिसीव हो रहा था, इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस के अगेंस्ट हमें कैश मिला है, ठीक है। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस था 127, इसमें से हमें कैश रिसीव हो गया 73 का, तो बाकी पैसे नहीं मिले, नहीं समझ आया। देखिए, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये तीन बार हमने गुड सेल की है इसको और इस कस्टमर ने दो बार हमें पेमेंट की है। अब ये दो पेमेंट जो हमें रिसीव हो रही है ये किसके अगेंस्ट हो रही है, ओपनिंग बैलेंस के अगेंस्ट, इनवॉइस के अगेंस्ट। देखिए, पहली जो पेमेंट है 73 की, इसकी डेट क्या है, 15 जनवरी, ओपनिंग बैलेंस की डेट क्या है, और पहली जो हमने सेल की है वो कब हो रही है, तो ये सेल करने से पहले कैश रिसीव हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये जो कैश हमें रिसीव हुआ 73 का ये ओपनिंग बैलेंस में से मिला है ना, सही। अच्छा, इसके बाद दोबारा जो हमने कैश रिसीव किया 117, ये किसके अगेंस्ट आया, नहीं, यहाँ देखें अमाउंट देखें। अच्छा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कुछ पैसे इसमें से आ गए कुछ उसमें से आ गए, फुल पेमेंट होगी, फुल पेमेंट। यहाँ देखिए 4 फेब को हमने इसको गुड सेल किए हैं 117.27 की, तो 10 फेब को उसकी हमें पेमेंट रिसीव हो गई 117.27, तो ये इनवॉइस तो हमारी क्लियर होगी, ठीक है, 117 की गुड सेल की कैश आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये 28 की गुड सेल की थी ये हमें रिसीव नहीं हुए, 72 की गुड सेल की ये भी रिसीव नहीं, ठीक है, बाकी जो 73 है ये हमें ओपनिंग बैलेंस के अगेंस्ट मिले, ठीक है। अच्छा, तो ओपनिंग बैलेंस है 127.38 का कैश रिसीव हो रहा है 73.57, इट मींस बाकी अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, अमाउंट मैच करे ना, वो तो कुछ भी सकता, अमाउंट देखे ना 28, हाँ तो डिस्काउंट होता है, फिर तो डिस्काउंट यहाँ शो नहीं हो रहा ना, नहीं ऐसा नहीं होगा, फुल पेमेंट है, फुल पार्ट पेमेंट नहीं होगा, हाँ हाँ प्रैक्टिकल में होता है, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन में फुल पेमेंट होगी, सही है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होगा, फुल पेमेंट होगी इसमें। अच्छा, तब देखिए ओपनिंग बैलेंस था 127, इसमें से रिसीव कितने हो रहे हैं, 73 माइनस करें कितने बच रहे हैं, रिसीवेबल ही है ना, देखें हाँ बाकी पैसे नहीं मिले, 31 जनवरी तक बाकी पैसे नहीं मिले, ठीक है जी। ऊपर लिखा हुआ था यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एज रिसीवेबल एनालिसिस, रिसीवेबल की बात हो रही है, कितना बैलेंस बच रहा है 53 पॉइंट। अच्छा, इसको किस कॉलम में लिखेंगे, देखिए आज की डेट क्या है 31 मार्च, 31 मार्च को हम ये टेबल बना रहे हैं और ओपनिंग बैलेंस की डेट क्या है 1 जनवरी, तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च कितने दिन हो गए, 3 महीने गुजर गए, पैसे अभी तक नहीं मिले। 1 जनवरी का बैलेंस है
आज 31 मार्च है, पैसे आपको नहीं मिले तो 3 महीने हो गए, इसको कहाँ लिखेंगे? अबव 90 डेज में. अमाउंट कितना है? 53.81. ठीक है, एक अमाउंट आ गया. ओपनिंग बैलेंस में से 53 रिसीव हुआ, बाकी आउटस्टैंडिंग है वो हमने लिख लिया. अच्छा, अभी हमने 28 जनवरी को गुड सेल की 28.36 की, और कैश रिसीव नहीं हुआ, तो उससे कितना टाइम हुआ? अब 28 जनवरी से 31 मार्च, ठीक है, 2 महीने कुछ दिन हो गए, फरवरी मार्च और कुछ दिन हो गए ना, तो 2 महीने कुछ दिन का मतलब अबव 60, यहाँ लिख लेंगे 28.36. तो ये एक अमाउंट है जिसको डी हुए अबव 60 डेज हो चुके हैं. इसके बाद ये 117 की गुड सेल की, ये हमें कैश मिल गया, ये इनवॉइस हमारी क्लियर हो गई. अच्छा, फिर हमने 7 मार्च को गुड सेल की 72 की, और कैश रिसीव नहीं हुआ, तो 7 मार्च से लेके 31 मार्च 22 23 दिन हुए, तो ये किसमें आ जाएगा? 1 to 30 days, 72.48, और बीच में आप मेल हो गया, डैश डाल दे. ये कस्टमर है, ये टोटल रिसीवेबल्स है, और ये इसका हमने ब्रेकअप निकाल लिया. एक अमाउंट को ड्यू हुए सेल किए 1 to 30 days हो गए, एक को 61 to 90 days, और बाकी को अबव 90 डेज के सर. ठीक है, ये इसका एक एनालिसिस आ गया हमारे पास. अच्छा, इन तीनों को ऐड करें तो ये एग्जैक्ट 154 ही बनेगा, बनना भी चाहिए. ठीक है, टोटल करके भी देख लें, चेक करें, 154.65 बन रहे हैं ना. स्लो मोशन में क्यों चल रहे हैं हम लोग? और नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, ये रहा सम नीचे दे देता है एक्सेल में. ठीक है, राइट. तो ये कस्टमर था, ये इसका बैलेंस, और ये इसका हमने एक एनालिसिस निकाल लिया. ठीक है, अब इसी तरह बाकी कस्टमर्स अभी एनालिसिस होगा. अच्छा, जब सेकंड कौन है? क्रैंक ब्रोक है, इसका बैलेंस कितना है? क्लोजिंग बैलेंस 355.98, 5.98. ठीक है, अब चलते हैं. पहले जो हमें अमाउंट रिसीव हो गया वो हम कैंसिल कर देते हैं. देखिए, कैश हमें मिल रहा है 37 का, तो ये 37 यानी कि ओपनिंग बैलेंस रिसीव हो गया. चलें, ये 12 जनवरी को हमें ओपनिंग बैलेंस के 37.28 रिसीव हो गए, ये 106 है. ये 10 जनवरी को हमने गुड सेल की थी, तो 20 जनवरी को हमें कैश रिसीव हो गया. ठीक है, फिर ये 117.25 है, तो ये कब है? 15 फेब. तो 15 फेब को हमने गुड सेल की, और ये हमें 25 फेब को कैश रिसीव हो गया. हमने कैंसिल कर दिया, अब जो रह गया वो लिख लेंगे. ठीक, तो 18 जनवरी को गुड सेल की 128 की, और 31 मार्च, तो ये 2 मंथ्स कुछ दिन हो गए, तो 128.27 जिसमें आ जाएगा 61 to 90 days है ना, 128.27. नेक्स्ट है 6 मार्च, 115.36 मार्च है, ठीक है, 1 to 30 days, और ये भी 20 मार्च है, ये भी 1 to 30 days, दोनों सेम, दोनों को ऐड कर लेते हैं. 115 और 112 ऐड करें दोनों को. टू ट्वेंटी सेवन ही है. ठीक है, 227.71. ठीक है, ओके जी, ये इसका टोटल बैलेंस था, और ये इसका हमने एनालिसिस कर लिया. नेक्स्ट, स्कैनर लिमिटेड. अच्छा, पहले तो ये 172 हमें कैश रिसीव हो रहे हैं. अच्छा, यहाँ कोई इनवॉइस नहीं है, तो इसका ये ओपनिंग बैलेंस के अगेंस्ट आ रहे हैं. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है 227 का 1 जनवरी, और 7 जनवरी को कैश रिसीव हुआ 172 का,
और सेल हमने बाद में किया 21st को, तो ये कैश हमें मिल रहा है ओपनिंग बैलेंस के अगेंस्ट, तो ओपनिंग बैलेंस में से ये कैश माइनस करें, ठीक है 55 पॉइंट, ये आएगा अबव 90 डेज में ना 50, पहले इसका बैलेंस लिख लें, टोटल बैलेंस कितना है 424.20, 2 months हो गए, तो ये 61 to 90 में आ जाएगा ना, 103.46, ठीक है। के बाद 15 फेब को गुड सेल किए 71.62, अच्छा फिर फेब में सेल हो रही है, दोनों एक ही कैटेगरी में आएंगे, दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड करें, टोटल फेब में 31 to 60 में आ जाएगा ना 2.53, ठीक है। तो ये इसका एनालिसिस हो गया, सही है। तब नेक्स्ट लास्ट है बिकले लिमिटेड, बिकले तो बैलेंस देखते हैं, पहले कितना है 100.69, ठीक है। अच्छा ओपनिंग बैलेंस है 72 का, देखें ओपनिंग बैलेंस 72, 10 जनवरी को कैश रिसीव हो रहा है 51, और 12 जनवरी को क्रेडिट नोट इश्यू हुआ 21 का। क्रेडिट नोट कब इश्यू करते हैं, सेल्स रिटर्न होती हैं, तो आप देखें 51 और 21 को ऐड करें तो 72.36 बनेगा, तो ओपनिंग बैलेंस हमारा क्लियर हो गया, 51 हमें कैश रिसीव हुआ, 21 की सेल्स रिटर्न हो गई, ओपनिंग बैलेंस क्लियर हो गया। जिसके बाद कैश रिसीव हो रहा है 88.20, तो ये हमारी 15 जनवरी की इनवॉइस क्लियर हो गई, 56 सेकंड फेब की इनवॉइस भी क्लियर हो गई, लास्ट के दो इनवॉइस रह गए सिर्फ, ठीक है। अच्छा अब ये 28 फेब है, तो ये 1 to 30 to 31 to 60 डेज में आ जाएगा ना, 39.37, और ये 1 to 30 days में आ जाएगा 61.32, फिर अच्छा ये तो हमारी पूरी एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट तैयार हो गई, ठीक है। अच्छा आप इसको देखकर ये बता सकते हैं कि अच्छा एक काम और करते हैं, पहले इसको तो परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उससे एनालिसिस बेहतर हो जाएगा, ठीक है। तो वन बाय वन इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे अब। अच्छा उसके लिए आप क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए हाँ जैसे आप ये पहली परसेंटेज निकालते हैं 1 to 30 days की, तो इसमें आप क्या करेंगे 361.51 डिवाइड करेंगे टोटल रिसीवेबल से 1035.52, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये आ रहा 34.9, राउंड ऑफ कर देते हैं 35% आ, राउंड ऑफ करते हुए चलते हैं। हाँ बता अब इधर आ जाएं 31 to 60 days पर, रिसीवेबल कितने 304.76, टोटल रिसीवेबल कितने 1035, इससे डिवाइड करेंगे 1035.52 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया 29.4, इसको हम राउंड ऑफ करके 29 लिख लेते हैं फिलहाल, ठीक है। इसके बाद 61 to 90 days रिसीवेबल कितने 260.09, डिवाइड करते हैं टोटल रिसीवेबल से 1035.52 मल्टीप्लाई बाय 100, 25.11 इसको 25 ही कर देते हैं, अबव 90 डेज रिसीवेबल्स 109.16, टोटल रिसीवेबल्स 1035.52 मल्टीप्लाई बाय 100,
10.5 इधर इसको 11 कर देते हैं ताकि ये राउंड ऑफ होके 100 हो जाएगा ना, ठीक है जी 100% आ गया। अभी हमने परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर लिया। अच्छा अब बताएं कि कौन कस्टमर लेट है, कौन ऑन टाइम है, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है। फिलहाल हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? हाँ तो एक की बात कर लेते हैं, ये बंदा ऑन टाइम है लेट है तो क्या करना है? टाइम दें, कॉल करें, धमकी दें, उठवा लें, मरवा दें, क्या करना है? देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है। इसने हमें क्रेडिट पीरियड ही नहीं बताया कि हम कितने डेज के क्रेडिट पे सेल करते हैं। पता चले आपने 6 मंथ का टाइम दिया हुआ है और आईएसओ उठा के लिए उसको, तो पहले ये तो बताओ कितने डेज का क्रेडिट दे रहे हैं, उसके बाद पता चलेगा कौन लेट है कौन ऑन टाइम, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है, किसको कॉल करनी है, कहाँ पर्ची भिजवानी है, किसको उठवाना है, किसको मरवाना है, जो भी है। सही है। अब हम क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है, हम सपोज कर लेते हैं, आप खुद सपोज कर लेते हैं कि हम सपोज करेंगे क्रेडिट हम दे रहे हैं 90 डेज का, 90 डेज कर लेते हैं, 90 डेज का क्रेडिट दे रहे हैं हम, ठीक है 90 डेज हम सेल करते हैं 90 डेज के क्रेडिट पर, ठीक है। अब कौन कौन लेट है? अभी अबव 90 वाले सब लेट हो जाएंगे ना, ठीक है। अभी तीन कस्टमर है हमारे, वाइन हॉल लिमिटेड, स्कैनर और दो हैं बस, वो तो टोटल है। ये दो कस्टमर लेट हैं, ठीक है राइट, ये दो कस्टमर लेट हैं, ठीक है जी। तो इसके हम क्या करेंगे, जो भी रिकवरी प्रोसीजर होगा वो अप्लाई करेंगे और उनसे रिकवरी करवाएंगे, ठीक। अच्छा अब ये बताएं कि मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है? अच्छी है, बेहतर है, क्योंकि सिर्फ 11% लेट हो रहे हैं, इसका मतलब 89% ऑन टाइम है, 11% इतने बड़ी परसेंटेज नहीं है, ठीक है तो बस कम है, तो मतलब परफॉर्मेंस भी बेहतर है, और ये कि इनको बस कॉल वॉल करके रिमाइंड करा देंगे तो पेमेंट आ जाएगी हमारी। अच्छा आप सपोज कर लें अब हम क्रेडिट दे रहे हैं सिर्फ 60 डेज का, 60 डेज के क्रेडिट पे गुड सेल कर रहे हैं, अब कौन लेट होंगे? अब ये सब लेट हो जाएंगे, ठीक है अब ये सब लेट है राइट, तो जो भी रिकवरी प्रोसीजर होगा वो अप्लाई करेंगे और फिर इनसे रिकवरी करवाएंगे। अच्छा अब मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, अब कहां से बेहतर हो गई? 36% बन रहे हैं, 36% कस्टमर लेट हो गए जी। तो कस्टमर से पहले तो हम अपनी मैनेजमेंट को टाइट करेंगे और उसके बाद कस्टमर्स को टाइट करेंगे। 37% लेट है, क्या 36% हो गए ना, कम थोड़ी होते हैं, नहीं बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है। तो पहले अपनी मैनेजमेंट को टाइट करेंगे उसके बाद फिर कस्टमर्स को देखेंगे। अच्छा और अगर क्रेडिट हम दे रहे हैं सिर्फ 30 डेज का, तो आप क्या हुआ, अब ये सब लेट हो गए, ठीक है, और परसेंटेज कितनी बन रही है 65, तो सबसे पहले तो अपनी मैनेजमेंट को फायर करेंगे और फिर सारे कस्टमर्स को उठवा लेंगे, सही, ठीक है। तो इस तरह से फिर इसको देखते हुए हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन लेट है कौन ऑन टाइम है और मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक एजिंग एनालिसिस टेबल, आप इसको कॉपी कर लें। अच्छा ये तो था रिसीवेबल एनालिसिस ना, अभी बताएं पेबल बनाने की जरूरत है, हम बनाए ना बनाए, हम अपनी बात करें कि हम अकाउंट्स पेबल एनालिसिस बनाए या ना बनाए, बनाए ना बनाए जरूरी है नहीं है, बस जरूरी नहीं है, क्यों जरूरी नहीं है, इसमें कैसे देख लेंगे, रिसीवेबल है पेबल को देख लेंगे, पेबल बनाए या ना बनाए जरूरी होता है, देखें
अब क्योंकि देखिए आप अगर सप्लायर को टाइम पर पेमेंट करेंगे तो आपका रिलेशन अच्छा रहेगा सप्लायर के साथ। टाइम पे करेंगे तो टाइम पे आपको डिलीवरी भी मिलेगी, सप्लाई मिलेगी और डिस्काउंट भी मिलेगा ना। टाइम पर पे करेंगे तो डिस्काउंट भी आपको रिसीव होगा, कैश डिस्काउंट भी मिलेगा, और टाइम पर पे करेंगे तो सप्लायर के साथ आपका रिलेशन भी अच्छा रहेगा और तो आपको सप्लाई भी टाइम पर मिलती रहेगी। और आप टाइम पर पे करके सेटलमेंट डिस्काउंट भी ले सकते हैं, तो इसलिए पेबल एनालिसिस भी बनता है। ठीक है, राइट।